स्कूल एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 5 है फैक्टराइज। देखो फोर पार्ट है इसके, फर्स्ट पार्ट है एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू। देखो हाईएस्ट पावर कितनी है 3, तो सीधी बात है उसकी जिस फैक्टर भी 3 हो। देखो लास्ट में यहाँ पे 2 लिखा हुआ है तो 2 के फैक्टर कर लेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय। देखो ये जो 2 आया ना इसको इसमें पुट करके रख लेंगे प्लस या माइनस। अगर पी एक्स इक्वल टू 0 के आ गया तो वो इसका फैक्टर है। देखो क्या करा, पी इक्वल टू 2, 2 की पावर 3 माइनस 2 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2, ये तो 0 हो गया। x की जगह पे 2 पुट कर दिया, 2 की पावर 8 माइनस 2 मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर 4, 4 टू जा 8, 8 माइनस 8 इक्वल टू 0। देखो 2 पुट करने पर x की वैल्यू हमारा 0 आ गया, मतलब x इक्वल टू क्या रखा हमने 2। सो x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। ठीक है बेटा, अब देखो पी एक्स का फैक्टर आ गया हमारा x माइनस 2। अब क्या करेंगे, इस x माइनस 2 से पी एक्स को डिवाइड कर देंगे। x माइनस 2 से डिवाइड कर दिया, x क्यूब माइनस 2 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। ठीक है, तो x से x क्यूब को डिवाइड किया तो x स्क्वायर टाइम हो गया, x स्क्वायर की इसमें मल्टीप्लाई हुई माइनस प्लस कट हो गया। अब ऊपर से माइनस एक्स प्लस 2, एक्स एक्स को डिवाइड करेंगे 1, लेकिन ये कैसा है माइनस, तो कितने टाइम्स रहेगा माइनस 1, माइनस 1 की इसमें मल्टीप्लाई कर दी माइनस एक्स प्लस 2 प्लस माइनस कट हो गया। देखो इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करके ये आ गया, मतलब पी एक्स इक्वल टू किसके आ गया, एक्स माइनस 2 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब देखो ये हो गया एक्स माइनस 2 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। यही आ गया x माइनस 2 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी, एक्स प्लस 1 एंड x माइनस 1। देखो अभी बताया था कि पावर कितनी है, यस 3, तो फैक्टर भी 3 होंगे, 1 2 3, चारों पार्ट ऐसे ही कर रहे हैं। ठीक है।